देखिए कंबाइंड टू सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल, ये आपके सिंथेसिस के अंतर्गत आएगा। आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बोर्ड पेपर में दिए होंगे, आपको उनको वन सिंपल, वन कॉम्प्लेक्स, वन कंपाउंड में कंबाइन करना, कंबाइन जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग इंफिनिटी, इंफिनिटिव का प्रयोग करके, इंफिनिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो किसी वर्ब से पहले यदि हम लगाते हैं तो उसको इंफिनिटिव कहते हैं। ये वर्ब से बनती है लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू आगरा, ही सा द ताज। These are two simple sentences given in your examination paper. इन दो सिंपल सेंटेंस को हमको इनटू वन सिंपल बनाना। He went to Agra, उसका पर्पज है कि सादा ताज। पर्पज को इंफिनिटिव से जोड़ेंगे तो पहला सेंटेंस सेम लिखेंगे, He went to Agra. दूसरी जो वर्ब है इसको कन्वर्ट कर देंगे इंफिनिटिव में, तो टू सी द ताज। सिंपल सेंटेंस कैसे हुआ, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, आगे कहीं कोई वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, इंफिनिटिव पीरियड और पार्टी। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही वाज सो फैट, He was very weak. वह बहुत कमजोर था। He could not lift the box. ये दो सिंपल सेंटेंस है, अब इनको एक सिंपल में कन्वर्ट करना। यदि पहले सेंटेंस में बी फॉर्म के बाद बार वेरी दिया हो तो उसको आप एक वेरी एडवर्ब है इसके स्थान पर दूसरा एडवर्ब प्रयोग कर लेंगे और दूसरे सेंटेंस में इसे इंफिनिटिव से कन्वर्ट कर देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ही वाज टू, एडवर्ब है ये, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता बी। अब यहाँ से ही कुड नॉट, यहाँ वाज था इसलिए कैन नॉट का यहाँ कुड नॉट हुआ था। अब दो अलग सिंपल सेंटेंस है, तो ही वाज टू बी लिफ्ट, इससे पहले टू लगा देंगे तो ये इंफिनिटिव बन जाएगा, टू लिफ्ट उठाने के लिए द बॉक्स संतुलित। तीसरा सेंटेंस इस प्रकार भी दिया हो सकता है, ही इज वेरी fat, he cannot run fast. यहाँ पर could not था, यहाँ पर cannot क्योंकि सिंपल है, यहाँ पर is है, is के अकॉर्डिंग cannot, सेम उसी के साथ बनाएंगे, he is too fat, he cannot बना देंगे to run fast. यूजिंग पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का प्रयोग करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि उसमें आईएनजी जोड़ दें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। बुक में आपने देखा भी होगा प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब से बनेगी लेकिन वर्ब का कार्य नहीं करेगी। जैसे ये प्ले है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया प्लेइंग, प्लेइंग इज गुड फॉर है, तो प्लेइंग क्या हो गया अपने आप में,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हुई। इसमें दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए होंगे, आपको कंबाइन करना है इनटू वन सिंपल। फॉर एग्जांपल ही सॉ द वुल्फ ही रन। दो सिंपल सेंटेंस है, यानी कि इसमें पहले सब्जेक्ट द्वारा कार्य हुआ देखने का, उसके तुरंत बाद उसका रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, भाग दी। तो इसमें एक कार्य के तुरंत पश्चात दूसरा कार्य होता है। तो पहले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर लेंगे सी। इसका मतलब हुआ देख कर, कर करके हुई की वाक्य बनता। उससे आगे का पार्ट लिखेंगे वुल्फ सीइंग द वुल्फ, एक ही सब्जेक्ट, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, एक से काम चल जाएगा ही। अब वर्ब हो गई हमारे रन और पहली बार हमने कन्वर्ट कर दी थी इन्फिनिटी। इसमें दूसरा सेंटेंस इस प्रकार भी आ सकता, इट इज हॉलीडे आई शैल नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट यहाँ पर इट है, यहाँ पर आई है, दो अलग सब्जेक्ट हो गए। ये नॉमिनेटिव में भी आ जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो इज एम आर वर्ब है हमारी, इज एम आर वर्ब, इसको बी फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इट बीइंग, बी फॉर्म आई एन जी लगा दी, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। इट बीइंग हॉलीडे I shall, जो दूसरा पार्ट है सेम लिखेंगे go to school। नेक्स्ट देखिए, अब इसका दूसरा आता पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल ही saw a man, he was bounded, bounded है वर्ब, थर्ड फॉर्म। इसको इस मैन की एक क्वालिटी करता है, इस मैन की विशेषता बताता है। इससे पहले लिखेंगे तो he saw a bounded man, उसने एक घायल व्यक्ति देखा। ये bounded यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य करे, दैट इज सिंपल सेंटेंस, ही साय बाउंडेड मैन। नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का कार्य बनती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट द्वारा दो कार्य होते हैं, दोनों कार्यों के बीच गैप पाया जाता है। जैसे अभी कंप्लीटेड इस बार रवि ने अपना कार्य किया, ही वेंट होम, वह घर चला गया। पहले कार्य किया और उसके घर जाने में समय लगा क्योंकि बीच में डिस्टेंस है। तो जब दो कार्यों के बीच गैप हो तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो यूज करेंगे रवि। अब यहाँ पर जो वर्ब है सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, उससे पूर्व हैविंग लगाएंगे। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले से ये कंप्लीटेड इज वर्ब, यहाँ पर ही यूज हुआ था रवि के लिए, तो लिखेंगे रवि एक सेंटेंस। कभी कभी ये सेंटेंस पैसिव में भी दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वाज ड्राइवन, ही वाज ड्राइवन बाय स्टॉर्म, तूफान के द्वारा वह संचालित हुआ। ही और गॉड ही और क्या अपना रास्ता भूल गया। तो क्या करेंगे, जब भी यहाँ पैसिव फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म में बनने के साथ
यहाँ पर जब इसकी हम परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे तो वहां हैविंग और के बाद बीइंग और लग जाएगा, तो हैविंग और चूंकि इसे बार बाज बार बी फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी बी, हैविंग बीन ड्राइवर बाय स्ट्रॉन्ग एस टी ओ आर एम तूफान के द्वारा संचालित होगा, दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ ये आ जाएगा ही, दूसरे सेंटेंस फॉरवर्ड हर इज वे वह अपना रास्ता भूल गया। लेकिन इसी के साथ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यदि दो अलग सब्जेक्ट है तब भी परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा, जैसे द सिग्नल वाज गिवन नॉमिनेटिव हो जाएगा, द ट्रेन लेफ्ट इज ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब इसमें दो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पार्ट भी यहाँ पर समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पैसिव पे दिया हुआ है तो दोनों सब्जेक्ट लिखे जाएंगे, ये सिग्नल भी लिखा जाएगा, यहाँ पर ट्रेन भी लिखी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट का ही, यहाँ भी एक का तो एक ही लिखा गया, अब यहाँ पर दोनों लिखे जाएंगे लेकिन सब्जेक्ट का कार्य नहीं करेगा, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया लेफ्ट, दूसरे सेंटेंस में कोई चीज नहीं, लेफ्ट का प्लेटफॉर्म ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट डिफर है, ये सब्जेक्ट अलग है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आता है इस प्रकार का, तो यदि हम इस वाज गिवन को, इस वर्ब को हमने यदि परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया तब ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है द ट्रेन, और हमारे पास लेफ्ट,